हेलो एवरीबॉडी, आज हम डिस्कस करेंगे डेटा टाइप्स फॉर स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स क्या होती हैं? स्ट्रिंग्स जो है कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, और ये कैरेक्टर्स जो हैं कोई भी यूनिक कोड कैरेक्टर्स हो सकते हैं। इसमें अल्फाबेट, डिजिट, स्पेशल सिंबल्स और किसी भी लैंग्वेज के वर्ड्स हो सकते हैं। तो चलिए स्ट्रिंग्स को कैसे यूज करते हैं पाइथन में सीखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक आइडेंटिफायर है, वेरिएबल नेम है, और उसमें हमें किसी का नाम स्टोर करना है, NAME नेम। तो नेम एक आइडेंटिफायर हो गया। इसमें हम एक स्ट्रिंग असाइन करेंगे, और स्ट्रिंग हमने असाइन कर दिया पंकज, PANKAJ पंकज। तो देखिए नेम जो वेरिएबल है उसमें स्ट्रिंग पंकज असाइन हो चुका है। और कैसे चेक करेंगे? यहाँ पर नेम टाइप करिए और एंटर कर दीजिए। ठीक है, तो पंकज प्रिंट हो गया। नेम का अगर आपको टाइप देखना है तो आप टाइप फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइप किसका टाइप देखना है? नेम का। तो ये डिस्प्ले होगा क्लास str, ये देखिए क्लासेस का str। तो अभी आपने अल्फाबेट्स असाइन किए हैं, आप नंबर भी असाइन कर सकते हैं, जैसे कि एज, ये सैलरी ले लीजिए, सैलरी 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 में आप कोई भी नंबर जो है स्ट्रिंग फॉर्म में असाइन कर सकते हैं, जैसे कि 1500। 1500 जो है आपने सिंगल कोट के अंदर इनक्लोज कर दिया है, तो ये एक स्ट्रिंग ही मानी जाएगी क्योंकि इसको आपने सिंगल कोट में इनक्लोज किया है। ठीक है, सैलरी को प्रिंट करिए। सैलरी आप प्रिंट कर सकते हो इस तरह से, ये देखिए सैलरी प्रिंट हो गई। और सैलरी का अगर आप टाइप देखेंगे तो ये भी स्ट्रिंग ही शो होगा, TYPE टाइप। यहाँ पर आप सैलरी का टाइप देख रहे हैं जो कि स्ट्रिंग शो होगा, ये देखिए क्लास str। इसी तरह से आप कोई स्पेशल कैरेक्टर्स भी असाइन कर सकते हैं, जैसे कि सिंबल्स। मैंने एक आइडेंटिफायर लिया, इसमें हम कुछ सिंबल्स असाइन कर देंगे, जैसे कि एट, हैज, डॉलर, परसेंट, ये हमने असाइन कर दिया। इसको सिंगल कोट में क्लोज कर दिया। ये देखिए सिंबल्स जो है, सिंबल्स आइडेंटिफायर में एक स्ट्रिंग असाइन हो गई जिसमें एट, हैस, डॉलर और परसेंट साइन है। सिंबल्स में क्या वैल्यू असाइन हुई है आप देख सकते हैं, सिंबल्स टाइप करने के बाद एंटर कर दें। अगर आप टाइप देखना चाहते हैं कि सिंबल किस टाइप का डेटा है, तो टाइप करने के बाद आप सिंबल्स अरे आर्गुमेंट उसमें पास कर दीजिए। ये देखिए क्लोज किया और एंटर कर दिया। इसका भी str है। आप इसमें किसी भी लैंग्वेज के वर्ड्स असाइन कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक आइडेंटिफायर लिया नेम, ओके नेम, इसमें मैं हिंदी हिंदी के कैरेक्टर्स को असाइन करूँगा। जैसे कि मैंने यहाँ से गूगल ट्रांसलेट से हिंदी के कुछ वर्ड्स ले लिए हैं, ये देखिए, और इसको मैं क्लोज करूँगा। ये तो अब नेम में हिंदी का एक वर्ड मैंने असाइन कर दिया है, ये देखिए। क्योंकि पाइथन यूनिकोड को सपोर्ट करता है, इसलिए इसमें आप किसी भी लैंग्वेज जो कि यूनिकोड लैंग्वेज है उसका कोई भी वर्ड आप स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि नेम में मैंने पंकज असाइन कर दिया। अब नेम की वैल्यू प्रिंट करेंगे तो ये पंकज आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, स्क्रीन पर। इस तरह से आप नेम का टाइप भी देख सकते हैं किस टाइप का है ये डेटा। तो टाइप और पैरेंथेसिस के अंदर आप नेम को पास कर दीजिए, ये str ही शो करेगा, ठीक है, ये देखिए str। फिर से हम एक दूसरा नेम लेते हैं, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे कि कोई दूसरा नेम असाइन कर देंगे, जैसे कि नाम या इस्टू नेम, इस्टू नेम, NAME इस्टू नेम। अब हम एक इस्टू नेम असाइन करेंगे, और यहाँ नाम हम गूगल ट्रांसलेट से ले लेते हैं, इस पे हमने कमल ले लिया है, ओके। अब हम कमल को असाइन करेंगे इस पे, देखिए इस्टू नेम में कमल असाइन हो गया है। इस्टू नेम वेरिएबल में क्या वैल्यू असाइन हुई है इसको हम प्रिंट करके देखते हैं। ये देखिए इसकी वैल्यू को हमने प्रिंट कर लिया तो कमल शो हो रहा है। अगर आप टाइप देखना चाहते हैं कि
कि स्टूडेंट में क्या वेरिएबल असाइन हुआ है, किस टाइप की वैल्यू है स्टूडेंट नेम। तो यहाँ से स्टूडेंट नेम को हम एज ए आर्गुमेंट टाइप फंक्शन में पास कर देंगे, ये देखिए, और एंटर करेंगे तो ये एसटीआर क्लास को बिलोंग करता है। तो ये थे डेटा टाइप्स फॉर स्ट्रिंग्स। अब हम लिस्ट की बात करेंगे कि लिस्ट क्या होती है। लिस्ट, LIST, लिस्ट की डेफिनेशन है, लिस्ट इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा, लिस्ट इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा, बट इट इज इनक्लोज्ड इन द स्क्वायर ब्रैकेट, और इसकी सभी वैल्यूज जो हैं कॉमा सेपरेटेड होती हैं। तो लिस्ट की डेफिनेशन आप मान सकते हैं, अ लिस्ट इन पाइथन रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज ऑफ एनी डेटा टाइप। तो लिस्ट एक कॉमा सेपरेटेड वैल्यू है, ग्रुप ऑफ कॉमा सेपरेटेड वैल्यू है, जो कि स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज की जाती है। तो चलिए एक लिस्ट बनाते हैं। तो हमने यहाँ पर एक आइडेंटिफायर ले लिया है लिस्ट को नेम देने के लिए, और नंबर, हमारी लिस्ट का नाम है नंबर, क्योंकि लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बनाई जाती है। तो हमने एक स्क्वायर ब्रैकेट ले लिया है, इसमें आप कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं, जैसे कि हमने फर्स्ट जो है नंबर लिया है। ओके, कुछ नंबर्स दे दिए हैं, 1, 2, 3, 4। तो हमारी एक लिस्ट बन गई है नंबर, ठीक है, ये नंबर। तो नंबर लिस्ट को आप प्रिंट करना चाहते हैं तो सिंपली नंबर को हमने यहाँ कॉपी कर लिया, पेस्ट कर दिया, ठीक है। नंबर क्या है, कौन सा डेटा टाइप है, इसके लिए आप टाइप फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर आपने टाइप फंक्शन एज ए आर्गुमेंट आप इसमें नंबर पास करेंगे, नंबर, ठीक है। तो मैंने कॉपी पेस्ट करके इसमें नंबर पास कर दिया है। अब देखिए, नंबर जो है लिस्ट क्लास को बिलोंग करता है, लेकिन लिस्ट में आप नंबर, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, कोई भी डेटा जो है उसके अंदर रख सकते हैं, जैसे कि नेम। नेम, नेम एक लिस्ट है, ओके। लिस्ट के अंदर कोई भी डेटा आप रख सकते हैं, आप इसके अंदर नंबर रख सकते हैं, ठीक है, और कोई नेम रख सकते हैं, जैसे कि रवि, ओके। इसमें से सिंबल्स रख सकते हैं, जैसे कि एट, ओके, और कोई फ्लोट वैल्यू रख सकते हैं, 4.5। तो लिस्ट के अंदर कोई भी डेटा टाइप का वैल्यू हो सकता है। ये देखिए, इसको प्रिंट करना है, लिस्ट को प्रिंट करना है, तो नेम टाइप कर लीजिए और लिस्ट आपकी प्रिंट हो जाएगी। लिस्ट किस टाइप का डेटा टाइप है, देखने के लिए टाइप फंक्शन का इस्तेमाल करें। इस बार आपके लिस्ट का नाम है नेम, तो नेम को हमने कॉपी कर लिया और यहाँ पर एज ए आर्गूमेंट पास कर दिया। तो देखिए, जो नेम है एक लिस्ट डेटा टाइप को बिलोंग करता है, क्योंकि इसकी क्लास जो है लिस्ट है। लिस्ट के अंदर कोई भी डेटा टाइप हो सकता है, कोई लिस्ट हो सकती है, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, टपल्स, कोई भी डेटा टाइप हो सकता है, ठीक है। लिस्ट एक इमिटेबल डेटा टाइप होता है, मतलब लिस्ट के किसी वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं। लिस्ट के बारे में और अधिक जानने के लिए आप हमारा अगला वीडियो जरूर देखिए। इसका नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कोई भी डाउट होने पर कमेंट करें, और ज्वाइन बटन को क्लिक करके चैनल की मेंबरशिप को अवश्य ज्वाइन करें। थैंक यू।